ये याद रखिए कि भारत में सबसे ज्यादा मौतें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हार्ट अटैक से होती हैं। आप खुद अपने ही घर में ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनका वजन व कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अमेरिका की कई बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में दिल के रोगियों यानी कि हार्ट पेशेंट को अरबों की दवाई बेच रही हैं। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ हुई तो डॉक्टर कहेगा एंजियोप्लास्टी करवाइए। इस ऑपरेशन में डॉक्टर दिल की नली में एक स्प्रिंग डालते हैं जिसे स्टेंट कहते हैं। यह स्टेंट अमेरिका में बनता है और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ $3 यानी कि 150 से लेकर 180 रुपये है। इसी स्टेंट को भारत में लाकर 3 से 5 लाख रुपए में बेचा जाता है और आपको लूटा जाता है। डॉक्टरों को लाखों रुपए का कमीशन मिलता है, इसलिए वे आपसे बार बार कहता है कि एंजियोप्लास्टी करवाओ। कोलेस्ट्रॉल, बीपी या हार्ट अटैक आने की मुख्य वजह है एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन। यह कभी किसी का सफल नहीं होता क्योंकि डॉक्टर जो स्प्रिंग दिल की नली में डालता है वह बिल्कुल पेन की स्प्रिंग की तरह होती है। कुछ ही महीनों में उस स्प्रिंग की दोनों साइडों पर आगे व पीछे ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल व फैट जमा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर आता है दूसरा हार्ट अटैक। डॉक्टर कहता है फिर से एंजियोप्लास्टी करवाओ। आपके लाखों रुपए लूटता है और आपकी जिंदगी इसी में निकल जाती है। अब सुनिए आयुर्वेदिक इलाज हार्ट अटैक का। अदरक लें, यह खून को पतला करता है, यह दर्द को प्राकृतिक तरीके से 90% तक कम करता है। दूसरा है लहसुन, गार्लिक जूस। इसमें मौजूद एलिसिन तत्व कोलेस्ट्रॉल व बीपी को कम करता है व हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है। तीसरा है लेमन यानी कि नींबू, नींबू का जूस। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी व पोटेशियम खून को साफ करते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। उसके बाद है एप्पल साइडर सिरका। एप्पल साइडर सिरका, इसमें 90 प्रकार के तत्व हैं जो शरीर की सारी नसों को खोलते हैं, पेट साफ करते हैं और थकान को मिटाते हैं। इन देसी दवाओं को प्रयोग में किस तरह से लाना है उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 1 कप नींबू का रस लें, 1 कप अदरक का रस लें, 1 कप लहसुन का रस लें, 1 कप एप्पल का सिरका लें। चारों को मिलाकर धीमी आंच पर गर्म करें। जब 3 कप रह जाए तो उसे ठंडा कर लें। अब आप इसमें 3 कप शहद मिला लें। रोज इस दवा के 3 चम्मच सुबह खाली पेट लें जिससे सारी ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगी। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप अगर देसी दवाइयों का यूज़ करते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और आपका दिमाग भी स्वस्थ रहता है। तो देसी दवाओं का ज़्यादा प्रयोग किया जाए क्योंकि हमारे देश में हर उस बीमारी का इलाज है जिस बीमारी का इलाज आज तक पूरी दुनिया नहीं खोज पाई है। ज़रा सोचिए कि शाम के 7:30 बजे हैं और आप घर जा रहे हैं, वो भी एकदम अकेले। ऐसे में अचानक से आपके सीने में तेज दर्द होता है जो आपके हाथों से होता हुआ आपके जबड़ों तक पहुंच जाता है। आप अपने घर से सबसे नज़दीक अस्पताल से भी 5 मील दूर हैं और दुर्भाग्यवश आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। आप CPR में प्रशिक्षित हैं मगर वहां भी आपको ये नहीं सिखाया गया कि इसको खुद पर प्रयोग कैसे करते हैं। ऐसे में दिल के दौरे से बचने के लिए कुछ उपाय हैं जिसको गौर से सुनिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ज़्यादातर दिल के अटैक से बहुत सारी मौतें होती हैं हमारे देश में। तो उसका उपाय ये है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिल के दौरे के वक्त अकेले होते हैं, बिना किसी की मदद के उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, वे बेहोश होने लगते हैं और उनके पास सिर्फ 10 सेकेंड होते हैं। ऐसे हालात में पीड़ित जोर जोर से खांस कर खुद को सामान्य कर सकता है। एक जोर की सांस लेनी चाहिए हर खांसी से पहले और खांसी इतनी तेज हो कि छाती से थूक निकलने लगे। जब तक मदद न आए ये प्रक्रिया 2 सेकंड से दोहराई जाए ताकि धड़कन सामान्य हो जाए। जोर की सांसें फेफड़ों में ऑक्सीजन पैदा करती हैं और जोर की खांसी की वजह से दिल सिकुड़ता है जिससे रक्त संचालन नियमित रूप से चलता है। जहाँ तक हो सके इस प्रक्रिया को बार बार करते रहें जब तक कोई मदद आपके पास ना आ जाए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आपको
मैंने हार्ट अटैक का बचाव बताया यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में यह कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा, और इन चीज़ों की जानकारी आपको रखनी चाहिए, जिससे कि जीवन में अगर कोई भी बुरी परिस्थिति आती है तो आप उसका सामना कर पाएँ। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन मोटी मोटी बातें होती हैं। छोटी छोटी बातों को अगर हम जान कर चलेंगे तो बड़े से बड़ी समस्या का समाधान भी हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये कुछ छोटे से तथ्य थे आपके सामने। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे और आप अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे अगर आपके ऊपर मुसीबत आती है। मैं तो यही कहता हूँ, भगवान करे आपके जीवन में ऐसी कोई मुसीबत ना आए। तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर किसी टॉपिक पर, नए मुद्दे पर लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।